गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी एट योर होम. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेटर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट इज पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स एंड सेकेंड वन इज ऑफिशियल और फॉर्मल और बिजनेस लेटर्स. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इनफॉर्मल लेटर्स, दैट इज कॉल्ड पर्सनल लेटर टू. What do you mean by informal letter? Informal letters are the letters which we write to our family members or dear ones or to our friends. Okay, an informal letter is a letter written to your friends and family members. It is told to you since they are written to close relations. The letters have an informal and personal tone. वे क्लोज रिलेशन में लिखे जाते हैं क्योंकि ऐसे ही हम अपनी फीलिंग्स किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो शेयर करते नहीं हैं, तो इसीलिए वो क्लोज रिलेशंस में लिखे जाते हैं. ठीक है, कैजुअल लैंग्वेज इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स एंड समटाइम्स द लेटर्स में इवन हैव इमोशनल अंडरटोन्स. कैजुअल लैंग्वेज, व्हाट इज कैजुअल लैंग्वेज? द लैंग्वेज व्हिच यू यूज व्हाइल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. जो लैंग्वेज आप अपने फ्रेंड्स से और अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते हुए यूज़ करते हैं वो कैजुअल लैंग्वेज है. लाइक आपका अपने फ्रेंड से और अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन आपका अपने टीचर से, प्रिंसिपल से या किसी बाहर के कोई व्यक्ति से बात करने का तरीका अलग होता है. जो तरीका आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से बात करते हुए यूज़ करते हैं वो होता है आपका कैजुअल वे ऑफ टॉकिंग. और जो वे ऑफ टॉकिंग यू यूज़ व्हेन यू टॉक टू योर टीचर और योर प्रिंसिपल और टू अ स्ट्रेंजर, दैट इज फॉर्मल लैंग्वेज. ओके, सो इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज एंड व्हाट इज इनफॉर्मल? इनफॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स से बात करते हुए यूज करते हो. ठीक है, व्हाई डू वी यूज इनफॉर्मल लेटर्स? सो इज इट क्लियर टू यू व्हाट आर द इनफॉर्मल लेटर्स? इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स विच वी राइट टू आर डियर वंस और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, एंड दीज हैव एन इमोशनल अंडरटोन टू. तो कभी कभी हम अपनी पर्सनल बातें सारी शेयर करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में. ओके, नाउ इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स? फर्स्टली टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस. क्या पर्पस है इनफॉर्मल लेटर्स लिखने का? हम अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस जो हैं वो इन लेटर्स में शो करते हैं, राइट करते हैं. टू डिस्क्राइब एन इवेंट एंड इंसिडेंट, कोई भी घटना या इवेंट जो होता है. सपोज योर फैमिली मेम्बर, वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर कुडंट अटेंड द इवेंट और द फंक्शन एट योर फैमिली विच वॉज हेल्ड एट योर फैमिली, एंड यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स टू दैट पर्सन और टू दैट फ्रेंड. इट कैन बी रिटन एंड यू राइट अ लेटर. If you want to describe all the things which happened at the event at your home, which was organized at your home, and to describe that all, you have to write a letter. That letter is called informal letters. Okay, to send invitations and express gratitude or regret. Invitation भेजने के लिए, suppose you want to invite one of your friend to your brother's marriage. And you write a letter to your friend. That letter is called informal letter, and that is invitation letter. Okay, express gratitude. किसी चीज़ का आभार, thank. हम किसी को thanks करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए. Suppose one of your family members gifted to a beautiful gave a beautiful gift to you on your birthday, and you want to express your gratitude towards that person or towards that family members, so you can write a letter, and that is called gratitude. To express gratitude or regret, agar aap kisi cheez par apna regret, afsos vyakt karna chahte hain, that is called regret. Okay, to stay in touch with the family members or with the friends or with the dear ones, we write these informal letters. Okay, now what is the format of writing these informal letters? Letters, firstly hum kya karte hain, address. Kya format hota hai? It will be told to you again.
बट मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ. ओके, लेटर्स का फर्स्टली जो सेंड करता है लेटर, जो राइट करता है, सॉरी, जो लेटर, उसका लेटर सबसे ऊपर, इट शुड बी, इट मस्ट बी एट द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, देन आफ्टर राइटिंग द एड्रेस लीव वन लाइन, देन राइट डेट, देन राइट आफ्टर डेट ऑल्सो लीव वन लाइन, देन सैल्यूटेशन. वट इज सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन होता है लाइक इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड, यू राइट सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड. If you write a letter to your uncle, you write dear uncle. So it is called salutation. किससे आप संबोधित कर रहे हो, क्या बोल के आप उसको एड्रेस कर रहे हो. बॉडी, बॉडी में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, अपना मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन. दिस फॉर्मेट विल बी टोल्ड टू यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, इट विल बी टोल्ड टू यू प्रॉपरली. नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, द पॉइंट्स विच are to be discussed or which are to be remembered, the points which we have to remember, which must be remembered while writing an informal letter. Firstly, put your own address to be followed by a date on the top. Firstly, क्या point है, अपना खुद का address होना चाहिए top पर, और उसके बाद क्या होना चाहिए, to be followed by a date, उसके बाद date होनी चाहिए. Forms of greetings, as it was told to you, like dear Anu, if you are writing a letter to your friend and her name is Anu, you can write like this, like dear Anu, my dear brother, respected aunt, my dear uncle, dear grandfather. So it can be written, it is called salutation. Okay, as it was told here, like salutation, it can be written here. Forms of leave taking, लीव टेकिंग मतलब जब आप लेटर को समाप्त करते हो, ख़त्म कर देते हो, तो आप उसको ख़त्म करने के एंड में क्या क्या लिखते हो, योर सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली एंड मैनी मोर वर्ड्स विल बी टोल्ड टू यू. ओके, एंड साइन योर फर्स्ट नेम ओनली. रिमेंबर वन थिंग, आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे आपके साइंस जो है वो चेक नहीं होते. ये नहीं कि आपको प्रॉपर साइन करना है, यू कैन राइट ओनली योर इनिशियल नेम. Okay, no need to put your full name, like your surname. There's no need to write your surname at the end of the letter, or your designation. It must not be written. Okay, in informal letters. Personal letters are longer than official letters. Language is more informal and intimate. So personal letters होते हैं वो official letters से बड़े होते हैं. Personal letters की जो language है वो official नहीं होती, informal होती है, intimate होती है. Intimate मतलब ये सारी feelings share कर जाती है, आप किस बात से दुखी हो, किस बात से अच्छा लगता है, खुश होते हो, ये सारी आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी उसमें बता देते हो. और ये ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, जो हमें बात कहनी है सिर्फ उतनी ही बात लिखी जाती है ऑफिशियल लेटर्स में. लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर होते हैं, उसमें लैंग्वेज की और राइटिंग की कोई और लेंथ की कि वो कितना बड़ा हो, कितना छोटा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती. ओके, सो इट इज़ लॉन्गर देन ऑफिशियल लेटर. एंड डियर स्टूडेंट्स, होप द ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द पर्सनल लेटर्स. ओके.